Hello and welcome back. So let's start with the part 2 of our chapter number 9, that is reproduction in animals. तो लास्ट पार्ट पे हमने करा था आपका फर्टिलाइजेशन तक, एंड देन वी डिस्कस्ड कि दो तरीके की फर्टिलाइजेशन होती हैं. फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? फ्रॉग्स एंड फिशेज में वी सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन in which the male and the female partners they release their gametes into the water and the fertilization rather than taking place inside the body of the women of the female it takes place in the water. But in case of your internal fertilization, the fusion, that is the fertilization, it takes place inside the body of the female partner. For example, your cats, dogs, humans, cattle, hens, they reproduce through the internal fertilization. So now we will cover the further part, that is sexual reproduction in human beings. So पहले पढ़ते हैं कि जो sexual reproduction human beings में है वो किस तरीके से होता है. Basically in this method of reproduction we require both the parents. इसमें दोनों parents की हमें जरूरत होती है. For example, a male and a female partner, they both are required, they both are involved. दोनों ही parents के पास अपने अपने different reproductive systems होते हैं. तो सबसे पहले हम जो ये रिप्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं कि मेल का एंड फीमेल का. सो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ ये डायग्राम मैंने नेट से लिया है, गूगल से. सो दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो यहाँ पर क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज टेस्टिस. इन दिस टेस्टिस ये आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज टेस्टिस. इसको टेस्टिकल भी बोला जाता है. सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. दीज आर टू इन नंबर्स एंड जो इसका शेप होती है काइंड ऑफ ओवल होती है. अब टेस्टिस का काम क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ योर टेस्टिस. तो टेस्टिस का काम है आपका टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द लार्ज नंबर. देन वी हैव सेकेंड पॉइंट इज वास डेफरेंस. वास डेफरेंस है आपका स्पर्म डक्ट. तो ये डक्ट क्या करता है? ये डक्ट स्टार्ट होता है आपका टेस्टिस से एंड ज्वाइन करता है यूरेथ्रा पे. तो आप देख सकते हैं वास डेफरेंस टेस्टिस से ये जो है स्टार्ट हुआ लाइक दिस एंड इट इज ज्वाइनिंग टिल यूरेथ्रा. ऑल राइट, सो दिस इज योर वास डेफरेंस. वास डेफरेंस का काम क्या होता है? इट कैरीज द स्पर्म टू यूरेथ्रा बाय अ मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वॉल. ये क्या करता है? आपका जो स्पर्म है वो कैरी करता है यूरेथ्रा तक. ओके, यूरेथ्रा. अब बात करते हैं इस यूरेथ्रा की. ये यूरेथ्रा का क्या काम होता है? हमें पता है कि जो वास डेफरेंस है इट कैरीज द स्पर्म्स टिल यूरेथ्रा. सो जो वास डेफरेंस दैट कैरिंग स्पर्म्स इट रिसीव्स द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल्स. इसमें सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, आप देख सकते हैं ये वाला. सो हेयर इज योर सेमिनल वेसिकल. जो सेमिनल वेसिकल है दिस वन, ये रिलीज करता है फ्लूइड. ओके, जब ये फ्लूइड जो ये सिक्रीट करेगा, आपका जो ये वास डेफरेंस है ये क्या करेगा? स्पर्म को और फ्लूइड को मिक्स करके ये लेके जाता है आपका यूरेथ्रा के पास. ओके, सो ये फ्लूइड काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म. जो स्पर्म होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड द फ्लूइड इज, उसको क्या बोला जाता है? तो मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड फ्लूइड इज नोन एज सीमन. ओके, सो ये क्या करता है कि दिस डक्ट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा. देन वी हैव पेनिस, जो आप देख सकते हैं. तो यूरेथ्रा इट लीड्स टू अ मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम पेनिस बोलते हैं. इट हैज इरेक्टाइल टिश्यूज एंड ब्लड स्पेसेस व्हिच कॉजेस स्टिफनेस ऑफ द पेनिस. स्टिफनेस ऑफ पेनिस किसकी वजह से होती है? ब्लड स्पेसिस जो इसमें होते हैं उसकी वजह से. इट हैज इरेक्टाइल टिश्यूज ऑल्सो. ठीक है, और पेनिस का काम क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज टू पास यूरिन एज वेल एज टू डिलीवर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं इन टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी. ऑल राइट, देन आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शुअल मेच्योरिटी ह्यूमन मेल्स में कब तक वो अटेन कर लेते हैं, कब तक अचीव कर लेते हैं? सो 14 से 15 इयर्स की एज में वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है ह्यूमन मेल्स में अटेन हो जाती है. सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? दैट द ह्यूमन मेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एट दिस एज. ओके, नाउ वी हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की.
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वी हैव द ओवरीज, देन वी हैव फेलोपियन ट्यूब, फंडस, एग्स, वी कैन सी एंडोमेट्रियम, यूटरस, सर्विक्स, लाइक दिस, ठीक है, मायोमेट्रियम एंड दिस इज विजाइना, जो नीचे ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज विजाइना. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओवरीज के बारे में. ये जो ओवरीज हैं आपके, दिस वन, ये होती हैं आपकी टू इन नंबर, ठीक है. दीज ओवरीज आर टू इन नंबर, दो होती हैं, और सिचुएटेड कहाँ होती हैं, ये सिचुएटेड होती हैं आपकी एब्डोमल कैविटी के अंदर, राइट. करती क्या है ये ओवरीज, इट प्रोड्यूस, दीज प्रोड्यूस वन मेच्योर ओवम ईच आफ्टर एवरी 4 वीक्स. अगर आपसे पूछा जाए कि ओवम क्या चीज है जो ओवम प्रोड्यूस करता है, तो ओवरीज प्रोड्यूसेस वन मैच्योर ओवम ईच, ठीक है, आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स. देन वी हैव ओविडक्ट. ओविडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब. दिस इज फेलोपियन ट्यूब, और वी कैन कॉल इट एज ओविडक्ट. सो ओविडक्ट क्या है आपका, इसको बोलते हैं थिन, इट इज अ थिन एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब विच जॉइंस यूटरस एंड ओवरी. जो आपका यूटरस है और ओवरी है, दिस इज यूटरस एंड दिस इज ओवरी, राइट, यूटरस एंड ओवरी, उसको जो एक थिन मस्कुलर फेलो ट्यूब जो है, जो वो अटैच करती है, ज्वाइन करती है, उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट. और ये ओविडक्ट का काम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, ये आपका ओवा को पास करता है यूटरस में बाय दी इट्स एक्शन, या फिर बाय इट्स सिलियरी एक्शन. ऑल राइट, सो नाउ वी हैव यूटरस. यूटरस का क्या होता है, इट इज द ब्रॉडर मस्कुलर चैम्बर विच रिसीव्स द ओवम कंटेन्स द डेवलपिंग फीटस. ये ओवम रिसीव करता है दैट कंटेन्स द डेवलपिंग फीटस. देन वी हैव बिल्कुल नीचे इज वजाइना. तो द यूटरस जो होता है, ये ओपन करता है आपका वाइड मस्कुलर ट्यूब में. अब ये वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है आपकी वजाइना, राइट. तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि सेक्सुअल मेच्योरिटी एक फीमेल में कब अटेन करती है वो. सो एट द एज ऑफ 11 to 12 अ फीमेल अटेन्स अ सेक्सुअल मेच्योरिटी. इट मीन सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब होता है कि ह्यूमन फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग, या फिर ओवा एट दिस स्टेज. ओके, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो नाउ द टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर, दैट मीन्स इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट, कैसे होता है आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट, ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटिंग. मेटिंग का मतलब क्या होता है, मेल रिलीज इज मेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज नोन एज स्पर्म्स इन टू द बॉडी ऑफ द फीमेल. जब भी स्पर्म जो है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ओवम जो कि एग है, तो क्या होता है, वन ऑफ द स्पर्म इट फ्यूजेस विद द एग. स्पर्म्स तो बहुत सारे जो है रिलीज करते हैं मेल इन टू द फीमेल बॉडी, बट क्या होता है, सिर्फ उसमें से एक ही जो स्पर्म है वो जाके फ्यूज करेगा एग के साथ. तो सच फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद एग, उसको क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन. सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि जब न्यूक्लियस है आपके स्पर्म का एंड द एग जो, वो फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, देन फर्टिलाइज्ड एग को हम बोलते हैं द जाइगोट. ऑलराइट, सो आगे क्या है आपका, कि ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है आपका. एग इज, या फिर सिंगल स्पर्म सेल एंड सिंगल एग सेल, ये आपका फर्टिलाइज करके क्या बना देते हैं, जाइगोट, या फिर वी कॉल इट एज अ बिगर न्यूक्लियस. सो इन फिश, इन फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, द एम्ब्रियो दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द एग यूजिंग द फूड स्टोर्ड इन द योक. तो आपका जो फिश है, फ्रॉग्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, तो जो एम्ब्रियो जो डेवलप करता है एग के अंदर, वो किस तरीके से डेवलप करता है, जो फूड फूड जो है योक के अंदर स्टोर होता है उसकी हेल्प से. सो दीज एनिमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस. सेकेंड वन, मैमल्स जैसे कि आपकी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो मदर की बॉडी के इनसाइड डेवलप करता है, और वो खाना वगैरह वहीं से लेता है, अपना फूड लेता है कहाँ से, मम्मी के जो ब्लड है उससे, ठीक है. एंड मैमल्स जो होते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका हु अमंग देमसेल्व्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, तो आपको याद रखना है मैमल्स. ऑलराइट,
सो फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगॉट, अगर हम बोले कि इंडिविजुअल जाइगॉट से इंडिविजुअल की फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, वी कॉल इट एज डेवलपमेंट, और वी कॉल इट एज डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स एंड देन सेल्स देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप्स. अब क्या होता है, फॉर्मेशन जब जाइगॉट की हो गई, इट डिवाइड्स रिपीटेडली, ये रिपीटेडली डिवाइड करता है और क्या कर देता है, राइज कर देता है एक बॉल ऑफ सेल्स को, और ये सेल्स क्या करती हैं फिर ग्रुप्स में जो है अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देती हैं. दीज ग्रुप्स देन डेवलप इन टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इस तरीके की सेल्स होती हैं आपकी. जाइगॉट बन गया, देन फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जाइगॉट, ये रिपीटेडली अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है इंटू दी बॉल ऑफ सेल्स. बॉल ऑफ सेल्स में लाइक दिस इट विल डिवाइड. अब ये बॉल ऑफ सेल्स जो है आपस में ग्रुप्स बना लेंगी. अब ये जब ग्रुप्स बनाएंगी तो इस इन्हीं ग्रुप्स की फॉर्मेशन से, इन्हीं ग्रुप की जो है आपके कलेक्शन से, वो बनाती हैं आपका डिफरेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ऑल राइट, तो आगे चलते हैं. सो डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इट इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. देन क्या होता है, आपका जो एम्ब्रियो होता है उसके बाद में ये एम्ब्रियो एम्बेड कर लेता है अपने आप को वॉल ऑफ यूटरस में. सो द एम्ब्रियो इट कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटरस एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, ये सब जो है ग्रेजुअली डेवलप करता है. सो द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, वो स्टेज आपकी एम्ब्रियो की जब सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, दैट स्टेज इज नोन एज फीटस. ऑल राइट, एंड देन क्या होता है, फीटस गेट्स फुली डेवलप्ड एंड द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो कितने टाइम में जो है आपका बेबी प्रोड्यूस होता है, तो बेबी होता है आपका 9 months में प्रोड्यूस. देन वी हैव टेस्ट ट्यूब बेबीज. वट आर दिस टेस्ट ट्यूब बेबीज, देखो कुछ जो वुमेन्स होती हैं उनमें जो ओवरीज जो ओवरडक्ट होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, तो जब ओविडक्ट ब्लॉक होंगे तो उन वुमेन्स को जो है बेबी बियर करने में या बच्चा पैदा करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज जो उनके स्पर्म्स हैं, जो आपके मेल के स्पर्म्स हैं, वो फीमेल के एग तक जो है रीच ही नहीं कर पाएंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, जो जो ऐसी लेडीज होती है जो माँ नहीं बन पाती, तो वो मेडिकल जो टेक्निक है जिसको हम इंटर विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और IVF टेक्निक, वो यूज करते हैं. अब इस मेथड में क्या होता है, IVF में जो फ्रेशली रिलीज्ड एग हैं फीमेल बॉडी से एंड फ्रेशली रिलीज्ड जो स्पर्म्स है मेल बॉडी से, उनको लिया जाता है और कुछ घंटों तक इकट्ठा जो है वो रखा जाता है. उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन होती है एग की स्पर्म के साथ वो कराई जाती है, और जब वो सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो जाते हैं और एक जाइगॉट डेवलप हो जाता है 1 week के अंदर, तो ये डेवलप जाइगॉट को उठा के मदर के यूटरस में रख दिया जाता है, और जो फर्दर डेवलपमेंट होती है जाइगॉट की या फिर की वी कैन से एम्ब्रियो, वो इनसाइड द यूटरस ऑफ मदर जो है होती है. देन उसके बाद में अ बेबी इज बॉर्न एट द अप्रोप्रिएट टाइम लाइक अदर बेबीज, और उन बेबीज को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज. आई होप इट इज क्लियर. और टेस्ट ट्यूब के लिए ऑप्ट क्यों करते हैं कि जिन वेमेन के ओविडक्ट ब्लॉक करते हैं हो जाते हैं, तो आपके जो मेल स्पर्म्स हैं वो जो फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाते, सो दे गो फॉर एन IVF टेक्नोलॉजी. राइट, सो आई होप इट इज क्लियर. टुमारो आई एम गोइंग टू टेक पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड योर चैप्टर नंबर 9 विल बी कम्प्लीटेड. And then after tomorrow, I'm going to discuss the question answers and your MCQs and various other things. So till then, goodbye, take care, stay home and stay safe.